नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। महिलाओं की सुरक्षा, कृषि कानूनों के मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों ने निकाला मार्च। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट लॉक। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बढ़ता आशा कर्मियों का रोष। राष्ट्रव्यापी NRC पर अभी कोई फैसला नहीं, गृह मंत्रालय ने संसद को बताया। कोरोना अपडेट में देश में 24 घंटों में 41,000 से ज़्यादा नए मामले, 490 मरीजों की मौत। तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा में महिला सदस्यों के साथ कथित बदसलूकी और पिटाई के मामले को लेकर भी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने को कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया है और हम आज यहाँ आपसे यानी कि मीडिया से बात करने आए हैं, क्योंकि हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया है। ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाकर और नीली वर्दी में डालकर सांसदों से मारपीट की गई है। कांग्रेस के अलावा इस मार्च में 14 अन्य विपक्षी पार्टियां शामिल थीं, जिसमें DMK, सपा, शिवसेना शामिल रहे। सांसदों ने देश में और खासतौर पर BJP की सरकार वाले राज्यों में दलित महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों का भी मुद्दा उठाया। बता दें कि विपक्ष के लगातार विरोध और सरकार द्वारा पेगासस जैसे मुद्दे पर बहस न करने की वजह से कल लोकसभा अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा में कल भी हंगामा हुआ था, जिसमें कथित तौर पर विपक्षी नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला के अकाउंट बुधवार रात को ट्विटर ने लॉक कर दिए, जिसके बाद आज कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि BJP ट्विटर का इस्तेमाल कर तानाशाही रवैया अपना रही है। आइए सुनते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश और इस आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए संदेश, और आदेश क्या मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें MPs और MLAs के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं वो वापस नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, माननीयों के क्रिमिनल केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, MP MLA के क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगे राज्य सरकारें, वापस लिए गए पुराने मामले भी दोबारा खुलेंगे। मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसके लिए आपको ये खबर देखनी पड़ेगी। इसकी तारीख देखिए, 24 दिसंबर 2020। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? उत्तर प्रदेश सरकार संगीत सोम और सुरेश राणा के अलावा एक और नेता है कपिल देव, इनके खिलाफ मुजफ्फर दंगों में जो तमाम मामले थे उसे वापस ले रही थी। तारीख देखिए, 24 दिसंबर 2020। अब हाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा सिर्फ अदालतों के मशवरे के बाद, उनसे अनुमति लेने के बाद दे सकते हैं। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर क्यों एक करारा झटका है। खबर क्या बताता हूं मैं आपको, अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों और विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा। सितंबर 2020, कुछ देर पहले जो मैंने आपको उत्तर प्रदेश का मामला दिखाया उसकी तारीख मैंने आपको बताया था। तारीख क्या थी? 24 दिसंबर 2020। यानी कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने संगीत सोम, सुरेश राणा के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगों में जो केस वापस लेने की कोशिश की, अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। और कटघरे में यह नहीं है सिर्फ, कर्नाटक सरकार भी है दोस्तों। ये खबर पढ़िए, अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है। कर्नाटक ने 61 MP MLA के केस वापस लिए। इससे पहले कोर्ट के सहयोगी वकील हंसरिया ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने 61 सांसदों विधायकों के खिलाफ केस वापस ले लिए हैं, इस पर भी कोर्ट को विचार करना चाहिए। यानी कि आप देख रहे हैं इस हमाम में भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, लंबा चौड़ा इतिहास है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। एक और खबर देखिए, 27 दिसंबर 2017 की, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ऑर्डर्स विथड्रॉल ऑफ केसेस अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ एंड अदर्स।
इन्होंने 2017 में सत्ता आने के बाद करीब 20,000 केसेस जो खुद योगी आदित्यनाथ पर थे, 1994 का मामला था, ये इन्होंने वापस ले लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आपके सामने खबर इंडिया टुडे की, 20,000 केसेस इन्होंने वापस ले लिए थे सत्ता में आने के बाद। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आप, मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, आप मुझसे कहेंगे अभिसार ऐसा तो दूसरी पार्टियां भी करती होंगी दोस्तों, मगर मैंने आपको कर्नाटक की मिसाल दी, मैंने आपको उत्तर प्रदेश की एक नहीं दो दो मिसालें दी हैं, दो नहीं 20,000 मिसालें दी हैं मैंने आपको। मैं आपको बता रहा हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद मामले में फंसे हुए हैं, इन्होंने खुद अपने खिलाफ जो मामले हैं वो वापस ले लिए। इस तरह से ये लोग सांवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाते हैं। जब कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करती है ना, तो मीडिया उनसे सवाल करता है, मुख्य धारा का मीडिया जो है सवाल करता है, न्यूज चैनल्स पर इस पर डिबेट होती है, मगर जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ऐसे काम करते हैं तो उनसे कोई सवाल नहीं करता। यह दुख की बात है, यह दुख की बात है, और इस पर सवाल किया जाना बेहद जरूरी है। मैं स्वागत करना चाहता हूं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, क्योंकि कटघरे में ना सिर्फ कर्नाटक की बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर यह सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि 7 महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को दिख रहा है कि किस तरह से सांवैधानिक मान्यताओं, लोकतंत्र के उसूलों की धज्जियां उड़ाकर ये खुद पर लगे जो आपराधिक मामले उसे वापस ले रहे। मध्य प्रदेश में आशा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए भोपाल से न्यूज क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट। भोपाल में धरने पर इसलिए क्योंकि हम लोगों को एक निश्चित कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, हम लोगों को टुकड़ों में पेमेंट दिया जाता है, सिर्फ 2,000 रुपए महीने का दिया जाता है जो कि हमें मंजूर नहीं है। 2,000 रुपए में आज की इस महंगाई में, यहाँ तेल 200 रुपए किलो है, सब्जी कोई भी सब्जी है वहाँ 50 या 100 रुपए किलो से कम नहीं है, दूध 50 रुपए किलो है, ऐसे माहौल में हम 2,000 रुपए में अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं। हमें सरकार से एक निश्चित मानदेय जो एक मजदूर का होता है कम से कम 18,000 रुपए महीने का मिलना चाहिए और हम लोगों को साथ साथ परमानेंट कर्मचारी घोषित किया जाए। हमें रात में डिलीवरी आती है तो जाना पड़ता है, सर्वे कोई सा भी होता है हमको दे देते, हम जाते हैं, हम सर्वे करने जाते हैं क्या? अभी कोरोना काल में सब लोग घरों में सोए थे और हम हाथ में बाटल और ये लेके सैनिटाइजर लेके लोगों के घर जा रहे थे, जब लोग दरवाजा बंद कर देते, हमारी कोई सेफ्टी नहीं, सब डॉक्टर आते जाओ आपको वहाँ जाना है तो हम जाते, कोई भी आके कोई सा भी अधिकारी बोलता आशा को बुलाओ खड़ा करो। हम चाहते हैं एक महीने की तनख्वाह आशा के लिए 10,000 चाहिए, सहयोगनी दीदी के लिए 15,000 रुपए चाहिए और निमित किया जाए और हमको हर जो सुविधा कर्मचारी को दी जाती है वो सुविधा चाहिए ताकि हमको कुछ सम्मान मिल सके। धन्यवाद। मंत्रालय ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सीए, एनआरसी और एनपीआर से संबंधित कुछ सवालों के जवाब दिए हैं और दोहराया है कि जनगणना प्रक्रिया शुरू करने की कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन यह निश्चित है कि एनपीआर को अपडेट किया जाएगा। 10 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी एमएचए को लोकसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और जनगणना से संबंधित कुछ सवालों का सामना करना पड़ा, जबकि इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर काफ़ी सतही है और फिर भी इनमें से प्रत्येक को देखना महत्वपूर्ण है। बता दें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया अप्रैल 2020 में जनगणना के चरण एक के साथ शुरू होनी थी, जिसे हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। हाउस लिस्टिंग चरण के लिए प्रश्नों की अनुसूची भी जारी की गई थी और सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए एक निर्देश पुस्तिका के साथ प्रशिक्षित किया जा रहा था, जिसमें एनपीआर के लिए डेटा के संग्रह पर भी विवरण दिया गया था। जबकि एनपीआर को अपडेट करने से बहुत हंगामा हुआ था क्योंकि यह संदेह था कि एनपीआर भविष्य में एनआरसी का आधार बन जाएगा। ये सभी प्रक्रियाएं कोविड-19 महामारी के कारण ठप हो गई थी। हमारी आखिरी खबर कोरोना अपडेट के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार 12 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 41,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से आज 490 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही इसी दौरान देश भर में कोरोना से पीड़ित लगभग 40,000 मरीजों को ठीक किया गया है
और एक्टिव मामलों में 1600 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,20,00,000 हो गई है, जिनमें से अब तक लगभग 4,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.45% यानी करीब 3,12,00,000 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.21% यानी लगभग 3,90,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक लगभग 52.5 करोड़ डोज दी जा चुकी है, जिनमें से करीब 44,20,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में ही दी गई है। ये थे न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप के अपडेट्स। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। साथ ही साथ देखिए हमारी हिंदी वेबसाइट www.hindi.newsclick.in। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद। Thank you.